खरगोन जिले में चोरों ने फिर एक बार चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जहां मंगलवार की देर रात चोरों ने ब्रज विहार कॉलोनी में पंकज मालवीय के सुने मकान को निशाना बनाया और नकदी जेवरात सहित करीब 3 लाख की चोरी को अंजाम दिया। इस दौरान पंकज ने बताया कि जरूरी काम से इंदौर गया था, वहीं देर रात्रि वापस लौटने पर पता चला कि घर पर चोरी हुई है। पूरे मामले में पंकज ने इस बात का खुलासा भी किया कि 1.25 लाख नकदी सहित सोने के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। एक्चुअल 2 बजे के समथिंग दोपहर में कल इंदौर के लिए गया था और वहां से समथिंग रात को 1:30 बजे गौर बस से बैठा और 5:30 बजे के समथिंग खरगोन आया। मैं ऑटो से उतरा और बाहर का जो गेट था उस पर लॉक लगा हुआ था, उसका लॉक खोला मैंने, लेकिन जो अंदर के 2 दरवाजे हैं उसके लॉक टूटे हुए थे। फिर मैंने 100 पे पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, पुलिस को पहले एंट्री करवाई मैंने, फिर अंदर आके देखा तो जो भी कैश और गोल्ड था वो पूरा ले गए चोर। कितने लगभग कितने की चोरी हुई? ये समथिंग 3 लाख रुपए। क्या क्या ले गए? गोल्ड और कैश। नगद कैश कितना था? वो था 1.25 के समथिंग। 1.25 लाख? हाँ। और गोल्ड वगैरह? 2 लाख के आसपास। क्या नाम है आपका? पंकज मालवीय। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।